नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जा रही हूँ बालूशाही बनाने, तो जो इसमें सामाने लगेंगे वो आपके सामने रखी हूँ। ये मैंने एक कटोरी मैदा ली हूँ और चाशनी बनाने के लिए आधा कटोरी मैंने चीनी लिया है। पानी यहाँ पे है, यहाँ पे नमक है, खाने वाला सोडा है और देसी घी है। अब मैं इसमें देसी घी मिलाऊंगी। 5 से 6 चम्मच इसमें देसी घी मैं डालूंगी। अब मैं इसमें खाने वाला सोडा डालूंगी, हल्का सा, ज्यादा नहीं डालना है। और इसमें हल्का ही नमक डालना है, खाने वाला नमक। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं इसको अच्छे से आटे को मिक्स करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने घी को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका अच्छे से इस तरह बन जा रहा है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी जितना हो सकता होगा उतना ही डालना है हमें। इसे ज़्यादा ना सॉफ्ट करना है, ना ज़्यादा हार्ड करना है, मीडियम में ही रखना है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इसको ज़्यादा हमें मसल करके भूनना नहीं है, इसको प्यार से धीरे धीरे से इसका बस हल्का सा डो बना लेना है। तो मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे हल्का हल्का डो बना लेती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका डो बना दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। तब तक आगे का कार्यक्रम आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, मैं अब क्या करने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें पानी रख दिया है। अब मैं ये चीनी इसमें डाल दूंगी और डाल करके इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। इसका मैं सीरा बनाऊंगी। तो मैं इसको चला करके धीरे से छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने केसर लिया है और इलायची पाउडर, दोनों को मिक्स करके अब मैं इसको चाशनी में डालूंगी। इससे चाशनी में थोड़ा कलर आएगा और जो मैं बालूशाही बना रही हूँ उसमें भी बहुत प्यारा कलर आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, दो एकदम अच्छे से परफेक्ट बन चुका है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। अब मैं इसको आराम से थोड़ा सा हाथ से इस तरह से करूँगा। इसके बाद मैं इसको कम से कम 5 से 7 बार मुझे इस तरह से करना है। इस तरह से करने से आपका लेयर बहुत अच्छा बनेगा, जिसे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लेयर इसका बनेगा। इसलिए इसको 5 से 7 बार हमें इस तरह से कर लेना चाहिए। मैं इसको कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा होता है बालूशाही। पहले यही सब मिठाइयाँ बनती थी, अब तो अलग अलग डिश है, बहुत सारे मिठाइयाँ हैं। अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया, तो मैं इसको आराम से हाथ से ही इस तरह से कर लूँगी और फिर चाकू लेके मैं बीच से इसको काट दूँगी। इस तरह से काट के दूसरे पे उठा के लिया, दूसरे पे कर दूँगी इस तरह। फिर मैं इसको इसी तरह करूँगी अच्छे से। फिर मैं एक लेयर बीच से काट दूँगी, बीच से काट के फिर उठा के इसी पे रख दूँगी। कम से कम इस तरह से हमें 7 से 8 लेयर बनाना है। इस तरह हम अगर करके बनाते हैं तो हमारा बालूशाही में बहुत अच्छा लेयर आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हम इसलिए इसको इसी तरह करके आपको दिखा रहे हैं। आप भी जब भी अपने घर पे बनाइए, इसी तरह बनाइए। इसे बहुत परफेक्ट लेयर आता है और बहुत ही टेस्टी। आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर इसमें आ गए हैं। तो हम इसलिए इसको इसी तरह बना रहे हैं और आप भी अपने घर पे इसको इसी तरह से बनाइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं बीच से इसको काट लेती हूँ और एक साइड को मैं अलग रखूँगी। इसको भी मैं 2 बार इस तरह से काटूँगी, इसको अलग करूँगी, इसको साइड में रखूँगी। इसको मैं धीरे धीरे इस तरह से हाथ से कर दूँगी, ठीक। उसके बाद मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊँगी, तो छोटे छोटे बनाऊँगी, तो मैं छोटे छोटे ही काटूँगी। आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ले लिया। मैं थोड़ा सा हाथ से इसको इस तरह करके गोल बना करके लेयर देने के लिए, ये बहुत परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि गोल बनने में इसमें सारे लेयर बन गए हैं। अब बीच से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके मैं इकट्ठा कर लूँगी अपना सारा। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने बालूशाही का
पाचा एकदम बढ़िया बना के रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने तेल रखा है, तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे एक एक करके तेल में डालूंगी। गैस पे इसको हमें छानना है ब्राउन होने तक। अगर आपका गैस तेज रहेगा तो ये ऊपर से जल जाएगा और नीचे से ये अच्छे से पकेगा नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको फ्लेम एकदम धीमी करी हूँ और ये अच्छे से मैं इसको पका रही हूँ। आप देखें कई कई से ब्राउन ब्राउन हो रहा है, इसको धीरे धीरे एक तरह से पलटना है, एक एक करके। अगर आप एक साथ में पलटेंगे तो एक पक जाएगा इस तरह धीरे धीरे। जब पक जाए आधा तब आप इसको धीरे से आराम से पलट दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे चलाते रहिए। थोड़ा ब्राउन होने तक आप इसको पकाइए, क्योंकि आप ब्राउन होने तक आप इसको पलट लीजिए। फिर इसको थोड़ा निकालिए, आगे का मैं आपको दूंगा कैसे करना है। While the beer was a lover, trust me, ain't no amateurs now। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा शीरा एकदम अच्छे से परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए वैसा पक चुका है। अब मैं गैस को बंद करके शीरा को ठंडा करूंगी, कम से कम 5 मिनट इसको ठंडा करूंगी। आगे ये मेरा बन जाता है, आप मुझे जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी, एक प्लेट में अच्छे से निकाल के इसको ठंडा होने तक रख दूंगी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से एकदम सारे निकालूंगी। आराम से एकदम बढ़िया सा पक चुका है, सारे को निकाल लिया है। अब मैं इसको सीरे में डालूंगी। अब सीरा को आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से ठंडा कर दिया था। सीरा एकदम परफेक्ट ठंडा हो चुका है। अब मैं एक एक निकाल के सीरे में इसको डालूंगी। अच्छे से एकदम अच्छे से सिरे में एकदम प्यार से पक जाएगा। मैं एक एक करके डालूंगी। मैंने इसको सिरे में डाल दिया है। अब मैं इसको हल्के से एक बार ऊपर नीचे कर देना है, उलट पलट देना है और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना। उसके बाद आपका बालू शाही बनके रेडी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बालूशाही एकदम परफेक्ट बन के मेरा रेडी है। हम आप लोगों से बोलेंगे कि एक बार अपने घर पे बालूशाही ज़रूर बनाइए। अगर मेरा बालूशाही आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे लिए लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।